हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों जैसे आप काफी खुश हैं तो मैं भी काफी खुश हूँ। कारण क्या है? जी हाँ, आपको पता होगा कि आज सुबह जी बिजनेस में जो हमारा जी न्यूज का चैनल है उसने बांडा फोड़ा है। ऑनलाइन ऐप जो लोन देती थी और आप लोग के साथ बदसलूकी करती थी, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती थी और आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते थे, इन सबका भांडा फोड़ा हुआ है। हालांकि मेरे से बहुत सारे यूट्यूबर इस बात को चीख चीख के बोल रहे थे, पर हम शायद अभी वो हम लोग इतने अभी उस मुकाम पे नहीं है कि हमारी बात डायरेक्ट सरकार तक जाए। हम सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं कि आप कैसे करें। वो ट्वीट करके मैंने बताया, बैंकिंग लोकपाल करके आप RBI को मेल लिखें। पर आज जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। हमारे जो एंकर थे उन्होंने पूरी जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और उन्होंने ये भी बोला कि अब ये है वो सही रास्ते से सरकार तक पहुँच जाएगा और इन सारी ऑनलाइन कंपनीज में जो भी आपको ऑनलाइन लोन दे देती हैं इन पे लगाम लगाई जाएगी। हाँ जी हाँ, ये जो भी RBI की गाइडलाइंस को नहीं मानते थे, खुल्ला वो गालियां गलौज होता था, गुंडागर्दी करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, अब उसमें लगाई जाएगी टाइट से लगाम। तो ये बहुत अच्छी खबर आ रही है और आप देखिएगा अगर जी न्यूज़ ने उसको उठाया है तो इंस्टेंटली अब गवर्नमेंट को उसमें इनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारे भाई बहन जो भी हमारे व्यूअर्स थे, जो अभी तक परेशान थे, आप लोग आप टेंशन मत लो। मैं आपको पहले वीडियो बना चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर कंपनीज को ऑलरेडी RBI ने अपने उसको नोटिस भेज दिया है कि आप अपनी हरकतों से बाहर जाइए। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के बारे में जी न्यूज़ में दिखाया गया, वो कैश भी थी, क्रेडिट भी थी, इंस्टा मनी थी, वाईफाई मनी थी और किस्ट करके कंपनी थी। बहुत सारी कंपनीज में जो ये सब चल रहा है, धांधली चल रही है, इन सब का भंडा फूटा हुआ है और अब सबकी कंप्लेन जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट में, इवन फाइनेंस डिपार्टमेंट तक भी जाएगी और इन सब पे लगाम लगी जाएगी। तो आप लोगों को जो भी अब कॉल आते थे, आपके कॉन्टैक्ट्स ले लिए जाते थे, हैक क्लिक कर जाता, जो मतलब उसमें ऑप्शन आता है कि आप कॉन्टैक्ट ओके करोगे तो सारे रिट्रीव कर लेते थे कॉन्टैक्ट और उसमें कॉल करते थे। तो अब ये सब वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनको काफ़ी फॉलो करना पड़ेगा। और मैं भी काफ़ी ताजुब करता था कि PC फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कैशबीन की पैरेंट कंपनी है, ये यार काफ़ी एक बड़ी कंपनी है यार, NBFC, उसके बाद भी ऐसी हरकतें कर रहे थे। खैर जो भी हो, अब इन सबको RBI की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात है कम से कम उनको 90 दिन का टेन्योर देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स को भले वो रिट्रीव कर ले पर आपकी परमिशन के बिना या वो उनको कॉल नहीं कर सकते बिना इमरजेंसी में। तीसरा, उनको कभी भी गाली गलौज करके जो बात करते थे, बदतमीजी से बात करते थे, वो नहीं करेंगे। लॉकडाउन में जो आपको मॉरेटोरियम की फैसिलिटी दी गई वो उनको भी देनी पड़ेगी। अभी ये कोई सलाह सजेशन नहीं, अब उनको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपको फेक नोटिस भेजते थे CBI के, रिजर्व बैंक, जो मुझे देखे हंसी आती थी, वो आपको नहीं भेज सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो मेरे भाई बहन, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आप ये जी न्यूज़ जैसे जो लोग हैं बड़े चैनल से ये कर रहे हैं, साथ में हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी इसमें आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा करो, इससे अब जो भाई लोग परेशान थे उनके चेहरे में खुशी आए। और गाइज, मैं लास्ट में एक लाइन फिर से बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप लोग बहुत ज़रूरी हो तो ही लोन लो यार, घूमने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए या ऐसा लोन मत लो। क्योंकि आप लोग से लोन लेते हो फिर आप लोग फंस जाते हो, फिर आप लोग सोचते हो क्यों बहुत परेशान हो, इससे अच्छा लोन नहीं लेना था। तो बड़े भाई की आप एडवाइस मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत ज़रूरी हो तो ही लोन लो। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा आने वाला हूँ, बैंकिंग लोकपाल में आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं अपने बैंक की, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, पूरा प्रोसेस बताऊँगा ऑनलाइन और मतलब लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो गाइस, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिलता रहे। चलिए गाइस, वीडियो बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।